मुरैना एक और पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए जनप्रतिनिधि, अधिकारी, समाज सेवी सहित आम नागरिक पौधरोपण कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर स्थित हर फूलपुरा गांव में आधा सैकड़ा हरे पेड़ों को काट दिया गया। खास बात यह है कि इस मामले में सिविल लाइन थाने में FIR भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक राजस्व विभाग ने उक्त कटे हुए पेड़ों को जब्त नहीं किया है। हाईवे स्थित RTO बैरियर के पास स्थित हर फूल का पूरा गांव में विगत दिवस हरे भरे आधा सैकड़ा पेड़ों को काट दिया गया। ये पेड़ वहां खेतों के चारों ओर मेड़ पर खड़े थे। खास बात ये है कि पेड़ों को काटने के दौरान वहां कुछ लोगों का आपस में विवाद भी हो गया। विवाद के चलते नरेश कुशवाहा व उसके परिवार के सदस्यों की लाठी डंडों से जमकर मारपीट कर दी गई। मारपीट की रिपोर्ट भी सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई है। खास बात ये है कि पेड़ों को काटने का मामला SDM मुरैना के संज्ञान में भी आया है, लेकिन अभी तक मौके पर राजस्व विभाग का दल नहीं पहुंचा है जिससे कटे हुए हरे पेड़ों को जब्त किया जा सके। बताया जाता है कि आरोपियों ने प्रशासन से सांठगांठ कर ली है, यही वजह है कि अधिकारी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। संवाददाता मुरैना मनोज उपाध्याय। भैया आपका नरेश कुशवाहा। नरेश कुशवाहा जी, ये बताइए जो पेड़ काटे गए हैं, जे शासकीय पेड़ हैं या किसी के निजी भूमि के पेड़ हैं? निजी भूमि हमारी, दबंगों ने पेड़ काटे हैं जबरदस्ती से। क्यों? क्या है कि उनने मेड़ वगैरह भी तोड़ लिए सबरी यहाँ पे, मतलब उनने खेत वगैरह यहाँ पे बेचा था तो मतलब अपनी भी जोड़ दी उसमें और तोड़ फोड़ के उनने जबरदस्ती से दबंगों ने आके यहाँ पे धमकी दी थी कि अगर तुम यहाँ पे आओगे तो हम मारपीट करेंगे। उनने मारपीट भी की हमारी और छोटे भाई के मतलब फंसा भी लगा था भाई में, वो भी कट गई, लेकिन कार्रवाई प्रशासन ने अभी तक नहीं की। आपने रिपोर्ट नहीं की थी इसकी? हाँ, रिपोर्ट की थी सर। तो क्या बात हुई, सक्षम अधिकारी ने क्या कहा? आश्वासन दे दिया था, मैं कलेक्टर साहब महोदय से के पास पहुँचा था, वहाँ पे भी उनने आश्वासन दे दिया कि SDO साहब से बोला था कि आप जाइए पेड़ों को जब्त कीजिए, लेकिन उनने अब तक 29 तारीख के लेके अब तक उनने पेड़ जब्त नहीं कराए। अच्छा, SDO साहब से बोला था कि SDM साहब से बोला था? SDO साहब से। SDOP साहब से बोला था। अच्छा, जो दबंग हैं वो कौन हैं और किस जाति के हैं? जे हैं दीमान, मोरवन और डीपो, रामेश्वर के लड़कियाँ, अर्फुल के पराके, और तुम्हारे वीरेंद्र, बारेलाल और छोटू, ये रामस्वरूप के लड़के हैं, और तुम्हारे मतलब दर्शना के लड़के दो और हैं, एक तो संजय एक मनोज। इन लोगों ने जबरदस्ती से आके यहाँ पे मारपीट की सब चीज़ और पेड़ वगैरह सब काट लिए। 30 से लेके 40 तक पेड़, हरे पेड़ पड़े हुए हैं यहाँ पे। 40 सौ पेड़ काट दिए? हाँ, काट दिए। सबरे प्रेजेंट में पड़े हुए हैं। प्रशासन से गुहार्ज की थी, सबसे थाना प्रभारी जी से भी कहा था कि आप इनको पेड़ों को जब्त करवाइए, लेकिन उनने भी अब तक जब्ती नहीं करवाई।